मॉर्निंग, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में। फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है। 8 बज चुके हैं और बाहर थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है और माता श्री हमारी खिड़की के सामने बैठी हुई है, देख रही है कि हल कैसे लगा रहे हैं लोग, तो वहीं पे बैठी हुई है। तो फिलहाल मैं आपको माता श्री से भी मिला देती हूँ और बाहर के नजारे भी दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत जो बूंदाबांदी हो रही है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, भाई हमारा थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा है और बहन अभी थोड़ा बहुत सोई हुई है। थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि मतलब नींद तो टूट जाती है, लेकिन वही है बिस्तर में तभी उठने का मन नहीं करता। मतलब जब हमारा मन करता है ना, जब एक टाइम आता है कि हाँ इतना टाइम हो गया तभी उठना है, तो वही वाला सीन है। तो अभी उठी नहीं हूँ बिस्तर से, बस बिस्तर में मैं भी बिस्तर लगा के ही यहीं पे बैठी हुई थी अभी, और एडिटिंग कर रही थी कल के व्लॉग की थोड़ा बहुत। और माता श्री से मिला देते पहले। नमस्कार दोस्तों, जोर से बोलिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बारिश हो रही, थोड़ा बहुत हो रही बारिश। आप क्या देख रहे हो? मैं इधर, जोर से बोलिए ना। अब हल लग रहा है, हल में आ रहा तेरे खिड़की से। क्या लग रहा है? हल। क्या लग रहा है? हल। हल लग रहा है, ट्रैक्टर चला रहे हैं। मम्मी ऐसे बैठे ही देखो, इधर से पीछे से देखो, यहाँ देखिए ऐसे बैठी हुई है उल्टा करके, मुंह करके इधर साइड से इधर को बैठी हुई है और वहां देख रही है किसकी यहाँ हल लग रहा है। पर वो उधर नहीं गया मम्मी, वो ट्रैक्टर पता नहीं किधर गया, कहाँ पे? अच्छा ऊपर है तभी देख रही है। तो बाहर हल्का हल्का हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ पे मेरे को अभी साफ करना है, तो इसको साफ करके फिर जाके आगे काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये अभी तक तो वो कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, अभी पढ़ाई करने लग गया है। और यहाँ पे तो हमारे कपड़े ही सूख रहे इस वाले रूम में, बहुत ज्यादा मतलब कपड़े सूख नहीं रहे ना, दिक्कत हो रही है। और ये रहा, अब तो नहीं पड़ रही है बारिश, पर ये देखिए, देखे छत में ही चलती हूँ, डायरेक्ट हम छत में चलते हैं। और ये रहा खूबसूरत सा दृश्य, खूबसूरत ही हो रखा आजकल, बाकी तो और क्या ही रह गया है, दृश्य ही खूबसूरत होते जा रहे हैं। और यहाँ से जो है ट्रैक्टर जा चुका है उनके खेत में, दिखेगा आप लोगों को एक सेकंड। तो ये देखिए, तो यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुका है हल, अभी तो खैर पता नहीं कौन सी बातचीत हो रही है। और ये है कुछ प्यारा सा सुंदर सा व्यू, और मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि काम करना है। और यस, हाँ किसी का कमेंट लग रहा था, किसी का कमेंट आया था कि दी बोलो, क्या बोलते हैं, होम टूर दो, अपना होम टूर दो। तो मैं सोच रही हूँ एक बारी पहले यहाँ पुताई हो जाए अपने घर पे, और जो भी भाई करवा रहा है पीवीसी पैनल तो पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी तो बस हमारे विचार में है कि जहां जहां पे ज्यादा सीलर ना रखी वहां पे पीवीसी पैनल लगा देते हैं, बस विचार में, अभी देखते हैं अभी क्या करते हैं क्या नहीं। बाकी जो है कि हाँ होम टूर की बात है तो वो पक्का दूंगी मैं, और आप मेरे ब्लॉग में बस बने रहिए। ऐसे नहीं है कि मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, बट थोड़ा सा कुछ समय दीजिए, जब बिल्कुल अच्छा सा हो जाएगा, मतलब अच्छा सा अभी भी अच्छा ही है लेकिन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा जो है पुताई वगैरह हो जाए, तो मैं फिर आपको होम टूर भी दे दूंगी। और आपको व्लॉग देखना ही देखना है क्योंकि आप इतने ज्यादा मुझसे बोल चुके हैं बार बार कि होम टूर दो, होम टूर दो, तो पक्का मिलेगा आपको होम टूर। और फिलहाल मैं अब काम कर रही हूँ, काम स्टार्ट हो जाएगा मेरा, नाश्ता बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम, और फिर नहीं तो मेरा भाई मुझे डांटेगा, और टाइम भी नहीं है। और मिलती हूँ मैं आपको खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों आज मैं इस किचन को 15 मिनट में चमका के दिखाऊंगी, आप सभी को देख सकते हैं सारा गंदा पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे पानी पड़ा हुआ, उधर आटे का वो पड़ा हुआ है सारा। और यहाँ पे अभी जो है मैं
नाश्ता बना रही हूँ। एक तो हमारे ऑफिस के लिए जाएगा और एक जो है घर में हमने सब्जी खानी है। और ये देखिए यहाँ के ये सारे, इसमें जो रहता है मसाला दानी जो होता है वो भी मैंने रख दिया है धोने के लिए। और मैं ये सब कुछ 15 या 20 मिनट में आप सभी को करके दिखाऊंगी, चमचमाता हुआ किचन। अभी एक बार नजर दौड़ाइए, देखिए अभी का किचन ये है। अब इसके बाद देखना आप लोग। तो अभी शुरू हो जाता है यहाँ पे किचन साफ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। काम करते करते वही है, वैसे मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ये कल रात से गंदा हो रखा है। कल जो है हम शाम को निकल गए थे बाल कटवाने के चक्कर में, तो बाल कटवाते कटवाते इतना टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला। और आके हम सीधा हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद सारा ऐसे ही पड़ा हुआ था किचन। और फ्रिज में भी जो फ्रिज की जो अटैचमेंट बोल सकते हो आप, तो वो है, तो वो भी निकाल के मैंने कभी जैसे ही मुझे लगता है कि अभी खाली हो गया तो मैं उसे धोने रख देती हूँ, क्योंकि फिर वही टाइम होता है धोने का कि नहीं तो वो फिर अगर सब्जी आएंगी तो फिर वो भर जाएंगे वापस से, तो इसलिए मैंने फटाफट से वो अटैचमेंट भी निकाले उसके बाहर। और साथ के साथ मसालेदानी का जो डब्बा है उसको भी खाली कर दिया था ताकि वो भी साफ़ हो जाए। और यहाँ पे ये जो बोल सकते हैं 15-20 मिनट का जो चल रहा है अभी, मतलब सफाई, वो सिर्फ़ नॉर्मल है, मतलब कि ये डेली होता ही होता है, मैं करती ही करती हूँ डेली वाला, तो ये डेली वाला है कि मैं करती हूँ इसको, इतना तो साफ़ होता ही है रोज का। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हर चीज़ को निकाल निकाल के साफ़ कर रही हूँ, ये डेली वाला सीन है कि हाँ मैंने करना ही करना है, तो ये चीज़ें करती रहती हूँ। साथ के साथ अपना खाना भी बना रही थी जो ऑफ़िस लेके जाना है मुझे। और एक तो मैं पुलाव बना रही थी वो ऑफ़िस के लिए, और एक बना रही थी मैं सब्जी। सब्जी रखी हुई थी मैंने इसमें कि जो मम्मी खाएगी, हम खाएंगे सारे लोग जितने भी हैं, हम तीन भाई बहन हैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे, तो हम तीनों के लिए। और बाकी लंच तैयार कर रही थी वहाँ के लिए, क्योंकि लेके जाना होता है फिर वापस कौन ही आए ऑफिस से, तो इसलिए। और यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने बताया कि कल रात हमने कुछ काम नहीं किया, तो उस चक्कर में जो है थोड़ा सा बर्तन भी बचे हुए थे, तो यहाँ पे बर्तन साथ के साथ मैं धो रही थी। और ये देख सकते हैं आप मसाला दाने का डब्बा, और उधर देख सकते हैं आप ये है हमारा फ्रिज जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह रखे रहते हैं, तो ये जो है बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इनको टाइमली आपको धो देना चाहिए। मैं तो जब भी सब्जी ख़त्म हो जाती है तो मैं तुरंत धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। कभी क्या होता है ना कि दूध बचा रहता है तो वो दूध भी गिर जाता है इसमें, या फिर पानी वगैरह सारा जैसे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका हमारा किचन साफ, और चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रख दी है मैंने। और यहाँ पे अभी तक बिल्कुल गंदा गंदा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। और नीचे भी बिल्कुल साफ कर दिया मैंने वहाँ पे, बाकी चीजें तो खैर रहती हैं किचन में, इन चीजों को तो हटा नहीं सकते। तो ये रहा हमारा फाइनल। मुझे लगता है 15-20 मिनट भी नहीं लगे होंगे साफ करने में, तो थोड़ा बहुत गंदगी होती तो फिर साफ किया मैंने। बाकी चलते हैं आप, मेरे को नाश्ता सॉरी लंच पैक करना है ऑफिस के लिए, फिर हम सुबह का खाना खाएंगे, फिर चलते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा, और 15-20 मिनट से भी कम समय लगा है, क्योंकि हमारे किचन इतना गंदा नहीं रहता ज्यादा, लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसको मैंने साफ कर दिया था। 15 ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट में हो गया होगा। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग को रखेंगे हम इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए दिन। मम्मी को देखो क्या कर रहे हो आप, तो ऐसे से क्यों कर रहे हो, मैं गाना गा रही हूँ। तो मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए, बने रहे, टेक केयर। किसके साथ? सोनम रावत के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए सोनम रावत ब्लॉग्स के साथ, मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे। बाय 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 बाय।